गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज जिम कॉलिंस, कैन ब्लैंचार्ड, स्टीफन कोवी, ऑग मैंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, ये टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं। वे बड़े बड़े ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव्स को यही सिखाते हैं। इंटेलिजेंस की नई व्याख्या बनी है आज, और वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता क्या है? आप परिस्थिति को अनुकूल हो जाओ, व्यक्ति को अनुकूल हो जाओ और काम निपटा लो, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो ना हो, बैकग्राउंड रिसोर्सेज हो ना हो, लेकिन अगर आप परिस्थिति और व्यक्ति को अनुकूल होके कॉमन प्लेटफॉर्म और सीएमपी पे आ जाओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाओ और अच्छा काम निपटा लो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। सो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज इंटेलिजेंस। तो इससे हमें यह सीखना है कि मुझे घर में और दफ्तर में और यहां क्लब की प्रवृत्ति में इसी प्रकार के विचार चाहिए, यही करना है, यही व्यवस्था चाहिए। ये जरा ग्रिप थोड़ी लूज कर देना। तो प्रमुख स्वामी अपने अभिगम से यह सिखाते थे। एक दूसरा उनका अभिगम बहुत अच्छा था। किसी ने आपको गधा कहा। How much time I have? कितना समय? 5-10 मिनट। तो किसी ने आपको गधा कहा तो आपको बुरा लगता है? किसी ने गाली दी? प्रमुख स्वामी कहते थे कि अगर किसी ने आपको गधा कहा, ये अपने जीवन पे से उन्होंने उपदेश दिया है। प्रमुख स्वामी के भव्य सम्मान देश प्रदेश में हुए, कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है उनका। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहर की उनकी की टू द सिटीज उनको मिली है, और उनके भयंकर अपमान भी अज्ञात लोगों ने किए हैं। दोनों परिस्थिति में हमने उनको स्थिर देखा है। दिस इज कॉल्ड बेटर लिविंग। तो वे ये कहते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तो उस वक्त और कुछ करना नहीं है, आंख बंद करके इतना ही देख लेना है कि सफेद चमड़ी है मुझे नहीं है, लंबे कान है नहीं है, चार पैर है नहीं है, पीछे पूछ है नहीं है, बस। तो फिर मैं गधा नहीं हूं, इतना ही सोचना है। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिग्निफाइड लिविंग। बोलने वाले तो कम नहीं है समाज में, अटैक तो चालू रहेगा, आपकी डिफेंस सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। दिस इज कॉल्ड बेटर लिविंग। चलो आपका नाम राजेंद्र भाई है, मैं आपके सामने देख के बोलूं कि जरा अखिलेश प्लीज कम हियर, तो आप क्या कहेंगे? मैं अखिलेश नहीं हूं उतना कहेंगे? प्रमुख स्वामी ये अभिगम सिखाते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तो इतना ही कहना है कि भाई मैं मनुष्य हूं, मैं गधा नहीं हूं। डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग चाहिए। प्रमुख स्वामी कहते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तब आप गधे नहीं बने, व्हेन यू रोल्ड योर स्लीव्स, मुझे गधा कहा चलो अब बना, प्रतिकार दिया ना तब बने आप। तो इस प्रकार के थोड़े एटीट्यूड्स जीवन में दृढ़ करने हैं, अभिगम जीवन में दृढ़ करने हैं, वरना क्या होगा, आप छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोटी छोटी बात में आपका मूड डाउन हो जाता है। होता है कि नहीं? दिन में 10 बार होता है, हाँ या ना? हम इतने माइंड्स हमारे इतने वीक, चीप और मीन होते हैं कि हम छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप यहां बैठे, आपने अपने अपने चॉइस के कपड़े पहने, लेकिन अगर आपका मूड डाउन करना है, मैं 3 व्यक्ति को आपके पास भेजूं 5-5 मिनट के अंतर में, पहला व्यक्ति आपको कहेगा कि ये क्या तो पहन के आए यार इधर, 5 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा कि ये काला, ये लाल और ये कैसा कॉम्बिनेशन तुमने रखा है यार आज, 5 मिनट के बाद तीसरा व्यक्ति आएगा, दिस डजंट सूट द ओकेजन, आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। देखना हुआ है ऐसा? ये अब प्रयोग तो मैंने सिर्फ थियोरेटिकल किया, कभी प्रैक्टिकल मत करना, क्योंकि लोगों के माइंड बहुत चीप और वीक होते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे वे। तो
तो अभिगम ये रखना है, डोंट गेट डिस्टर्बड ऑन पैटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत हो जाना, वरना यू डोंट लीव अ डिग्निफाइड लाइफ, यू डोंट लीव अ बेटर लाइफ। और आखिरी बात ये करनी है कि टूवर्ड्स बेटर लिविंग में जितना आप व्यवसाय को प्राधान्य देते हो उतना सर्विस और फैमिली को भी प्राधान्य देना। आप सर्विस को देते हो निस्वार्थ भाव से, लायंस क्लब सब सर्विसेज करती हैं, हम सबको अंतर से आप लोगों के प्रति बहुत आदर है, क्योंकि मैं तो 100 से ज़्यादा लायंस क्लब के फंक्शन में देश प्रदेश में गया हूँ, और जिस प्रकार की प्रवृत्ति लायंस क्लब कर रही है, हैट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ सैल्यूटेशंस। और लोग चाहिए, और क्लब्स चाहिए, तो सर्विस को जीवन में प्राधान्य देना, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू डाई इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड यू शुडंट हैव डन। उससे तो अमेरिका में एक क्लब चालू हुई है, मिलियनर क्लब है। उसके क्लब के मेंबरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, यू आर शुड बी अ मिलियनर। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी इनकम या अपनी एसेट्स या अपने बैंक अकाउंट्स, मतलब टोटल प्रॉस्पेरिटी के 90% आप डोनेट करने का प्लेज लो, वो प्राइमरी मेंबरशिप के फॉर्म में आपको भरना पड़ता है, और उसी वक्त 10% इनकम का चेक दे देना पड़ता है फॉर अ गुड कॉज। वे लोग ये मानते हैं कि आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप इतना ही छोड़े कि वो एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सके, इतना मत छोड़ना कि आपके जाने के बाद या उसके पास जब व्यवस्था हाथ में आ गई तब वो ऐश आराम करे, क्लब में जिए और आपके सब पैसे उड़ा दे, इतना ही आपको छोड़ना है। तो देखो सर्विस को प्राधान्य है, बिल गेट्स ने कितना दे दिया, वॉरेन बफेट ने कितना दे दिया, जैकी चैन ने कितना दे दिया, और हम लोग तो 25 साल से ये धन का त्याग रख के चलते, अब पता चला कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी इज दैट वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। पैसे की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा हमने उनको सत्ता दे रखी है। वी डिसाइड रिलेशनशिप्स बाय मनी, वी टेक डिसीजंस बाय मनी, वी जज ईच अदर बाय मनी, यस और नो? सो दिस इज नॉट गुड लिविंग। कहां रविशंकर महाराज के पास पैसे थे, प्रमुख साईं महाराज के पास कोई एक बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज करोड़ों लोग के हृदय में बैठकर करोड़ों लोग उनके प्रति आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो सर्विस, सेवा भावना ज्यादा रखना, उससे आनंद आएगा, संतोष मिलेगा, एंड यू वुड फील दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ। और इसी सिलसिले में जो आखिरी मुद्दा कहना है वो अपना परिवार, व्यवसाय का भी ध्यान रखना, सेवा का भी ध्यान रखना, और परिवार का भी ध्यान रखना, उसके लिए परिवार में बच्चों को संस्कारित करना। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेत और ध्रुव की बात की है, उंगली ऊंची करें, फेथफुली। हाँ, आधे से भी कम है। देखो स्टीव जॉब्स कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, ये सब वे मीडिया से जान जाएंगे, लेकिन श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन में ये नहीं आएंगे। अगर आ गए तो बोलेंगे कि यू आर सेफ्रनाइजिंग योर एजुकेशन सिस्टम। अगर श्रवण की बात आपने उसको की है तो वो बड़ा होगा, जब आप बीमार होंगे तब पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही। देखो एक ने दबा दिया, 12,000 करोड़ का एम्पायर था, पिता ने पुत्र को 12,000 करोड़ का एम्पायर भेंट में दिया, नाम याद आ गया सबको। और उस व्यक्ति ने अपने पिता की क्या हालत की, एक 2-bedroom हॉल किचन के फ्लैट में, साउथ मुंबई में रेंटेड फ्लैट में धकेल दिया, एक हुंडई गाड़ी छोटी सी सेकंड हैंड दे दी, उसकी वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा।
बहुत बड़ा धंधा दे दिया, उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसके उसके पीछे नीचे एक सब टाइटल लिखा है द कंप्लीट जेंटलमैन, देखना। लेकिन वो बनाने वाला जेंटलमैन नहीं बना। उस कंपनी के ब्रांड नेम के नीचे एक सब स्लोगन लिखा है द कंप्लीट मैन, लेकिन तू इनकंप्लीट रहा।